हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक नया टॉपिक, फ्लेंजेस। प्लंबिंग में जो फ्लेंजेस यूज होती हैं उसका क्या पर्पस होता है, कौन सी फ्लेंज कहाँ पे यूज होती है, आपको कौन सी फ्लेंज किस जगह पे यूज करनी चाहिए, और फ्लेंज का मेन पर्पस क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जो भी है आज हम आपको पूरा इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए गाइस, जो फ्लेंजेस होती हैं, वो कोई भी फ्लेंज हो, चाहे किसी भी लाइन में, किसी भी, चाहे आप एयर कंप्रेसर में ले लो या फिर आपका किसी भी चीज़ को कवर करने के लिए यूज़ होती हैं। मोस्टली प्लंबिंग लाइन में जो फ्लेंजेस यूज़ होती हैं वो ये होती हैं, इसलिए कि क्या होता है, सबसे पहले दीवार बनती है। दीवार बनने के बाद प्लम्बर आता है, दीवार को उसमें नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो झरियाँ डालता है, मतलब कि पाइप के लिए एक जगह बनाता है, ठीक है, उसके अंदर पाइप बिठा देता है। उसके बाद प्लस्तर वाला आता है, प्लस्तर करता है, प्लस्तर करके उसके उसमें वो क्या होता है, जो कनेक्शन उसने छोड़े होते हैं, जैसे बिब टैप के लिए कनेक्शन छोड़ा होता है, शावर के लिए पॉइंट छोड़ा होता है, या थर्मोस्टैट के लिए, या आपके डिवाइडर के लिए जो भी पॉइंट छोड़े होते हैं वो दीवार के पीछे रह जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है टाइल लगाने वाले का, चाहे टाइल वाला आ गया या मार्बल वाला आ गया। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि वो पॉइंट ना थोड़ा पीछे रह जाता है और वो कवर हो जाता है। तो जब प्लम्बर अपना अपना काम करने आता है, प्लम्बर जब अपनी टैप वगैरह इंस्टॉल करने आता है, तो उसको वो पॉइंट ढूंढने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो क्या करता है, जिस जगह पे आपकी एल्बो निकली होगी, एक्सटेंशन निकली होगी, उस जगह से उस टाइल को तोड़ता है, टाइल को तोड़ता है उस जगह से। जैसे आप सपोज करिए, मैं इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल दूंगा एंगल वॉल्व की। सपोज करिए, अगर किसी प्लम्बर ने अभी टाइलेज वगैरह लग गई हैं, पॉइंट दीवार में निकला हुआ है, पॉइंट थोड़ा सा निकला हुआ, तो वो क्या करेगा, दीवार के अंदर वो क्या करेगा, सपोज करिए यहाँ पे पॉइंट निकला हुआ है, तो वो यहाँ पे टाइल लग गई है सारी, तो वो अब उसने एंगल वॉल लगाना है, तो अब वो क्या करेगा, दीवार के अंदर पहले तो थोड़ी थोड़ा सा ना इसको हथौड़े के साथ तोड़ेगा इस जगह को, ताकि उसको वो पॉइंट विजिबल हो, क्लियर हो एंगल वॉल लगाने के लिए। उसके बाद क्या करेगा, वो एंगल वॉल लगाएगा। अब देखिए आप, अब वो तोड़ेगा अप्रॉक्सीमेट 1 इंच या 2 इंच जगह तो वहाँ से तोड़ेगा वो दीवार से, और एंगल वॉल का यहाँ से साइज है 0.5 इंच के करीब, तो बाकी जो जगह है वो खाली दिखेगी, मतलब कि पूरी टाइल, पूरी वॉल आपकी टाइल लगी हुई है और उस जगह से खड्डा दिखेगा। उस जगह को कवर करने के लिए प्लम्बिंग आइटम से पहले एक फ्लैंज लगता है, उसको बोलते हैं फ्लैंज, उस जगह को कवर करने। तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लैंज का मेन पर्पस होता है जो टूटी हुई जगह है उसको कवर करने के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे ना बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की फ्लैंजेज हैं, तो मैं आपको एक एक करके उसका पर्पस बताऊंगा। ये देखिए गाइस, मेरे पास ये बिल्कुल स्लीक सी 4-5 mm हाइट की फ्लैंज है। जब तो आपका क्या होता है, जब आपका पॉइंट जो है बिल्कुल दीवार के बराबर हो, मतलब टाइल के बराबर हो, उस जगह पे इंस्टॉल करते टाइम ये आइटम पूरी बिल्कुल सेट आ जाती है, ठीक है गाइस, पूरी टाइल के बराबर आ जाती है। अब सपोज करिए कि कई बार क्या होता है, जो टाइल से भी बाहर कनेक्शन आया होता है, जो पॉइंट होता है वो टाइल से बाहर निकला होता है, सपोज करिए आधा इंच बाहर निकला हुआ है या 10 mm बाहर निकला हुआ है, उस केस में जो ये हाइट वाली फ्लेंज है, मीडियम हाइट वाली 10 mm के करीब, ये वाली फ्लेंज काम आती है, क्योंकि ये देखिए ऐसे लगेगी और ये जो 10 mm का जो बाहर गैप रहेगा वो उसको कवर कर लेगी ये, ठीक है गाइस। अब बहुत सारे, मतलब कि आप, मैं बोलूँगा नहीं ज़्यादा, मतलब कि आप लगा के चलिए कि 100 में से कोई 5 पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पे वो टाइल जो है तोड़ते टाइम ज़्यादा टूट गई है, तो ये जो दो फ्लेंजेज हैं, ये जो दो इंच 2.5 इंच की फ्लेंजेज हैं, ये उस गैप को कवर नहीं कर पा रही हैं, मतलब जो टूटा हुआ एरिया उसको कवर नहीं कर पा रही हैं, उस जगह पे मेरी ये वाली फ्लेंज काम आती है, मतलब कि ये अप्रॉक्सीमेट जो है 3.5 इंच के करीब इसका डाया है, तो उस जगह पे ये वाली फ्लेंज काम आती है, ठीक है गाइस। तो इस वाली फ्लेंज का ये पर्पस है, जो सबसे बड़ी फ्लेंज है उसका ये पर्पस है। उसके बाद क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे 2-2 इंच आपकी थ्रेड बाहर आई है दीवार से, आप उसको काट तो सकते नहीं हो, 2 इंच वो आपको आउटर में ही कनेक्शन देना पड़ेगा, उस केस में क्या करना पड़ता है, ये डूम वाली फ्लेंज काम आती है, इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेट 1.5 इंच या 2 इंच के करीब होती है, तो आपको वहाँ पर ये वाला फ्लेंज काम आएगा। अब उस आ जाते हैं नेक्स्ट वाली फ्लेंज पे। एक आपने देखा होगा फ्लेंज के नीचे ये ऐसी फिन्स टाइप बनी होती है, ये देखिए फिन्स बनी हुई है। कई बार क्या होता है, हमें एक प्लेन जो निप्पल आता है उसके ऊपर या शावर आर्म के ऊपर हमें फ्लेंज लगाना पड़ता है, तो उस केस में वो फ्लेंज जो है वो ऐसे मूव करता रहता है, वो मूव करता रहता है आगे पीछे, ठीक है। तो ये जो फिन्स बनी हुई हैं, प्लम्बर इसको क्या करता है, प्लास के साथ हल्का सा इसको मोड़ लेता है अंदर की तरफ को,
और ये वाला पॉइंट हुआ है बिल्कुल टाइट हो जाता है, फिर आपकी जो फ्लेंज है वो आगे पीछे मूव नहीं करती, उसी जगह पे स्टेबल हो जाती है। ठीक है गाइस, ये देखिए ये जो तीन फिन्स बनी हुई है इसकी बाहर को, ये जो लिम जैसी निकली हुई है ना, ये वाली फ्लेंज का ये काम होता है। ठीक है गाइस, और अब आप देख रहे होंगे इन दो फ्लेंज, इन तीन फ्लेंजों के ऊपर इस पर वाइट कोटिंग हुई है, इसके ऊपर ब्लू कोटिंग हुई है। ठीक है, तो इस कोटिंग का क्या पर्पस होता है? इस कोटिंग का पर्पस होता है कि आपको जो है आइटम प्रोडक्ट जो भी है, आपको प्रोडक्ट बिल्कुल फ्रेश मिले। जब भी आप अपने घर के अंदर रहने आओ या आप मतलब कहीं से मूव करो, या देखो होता क्या है, जब भी स्टील की फ्लेंजेस होती हैं इनके ऊपर शीट लगी होती है, ये होती है स्क्रैच वगैरह से, या प्लम्बर जब काम करता है तो वाइट सीमेंट वगैरह लगता है, या जो भी गंदा ना हो, मतलब उस इसका पर्पस मेन रहता है ये आइटम आपको बिल्कुल फ्रेश मिले, इसके ऊपर कोई भी दाग ना हो, कोई भी स्क्रैच ना हो, क्योंकि ये होती हैं ग्लॉसी में। तो जब भी क्या होता है, जब भी प्लम्बर यूज़ करता है तो टू उसके हाथ में टूल होते हैं या फिर प्लायर होता है, तो उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह ना डाल दे, उस पर्पस को थोड़ा ओवरकम करने के लिए ये वाले इसके ऊपर कोटिंग आती है। आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर ऐसा कोटिंग है, ये देखिए इसके ऊपर भी कोटिंग है। ठीक है गाइस, तो ये वाला जो सारा टॉपिक था ये फ्लेंज के लिए था, मैंने आपको बता दिया। ये हो गई नॉर्मल, जो मतलब कॉमन फ्लेंज होती है जो हर जगह यूज होती है। उसके बाद आ जाती है उससे थोड़ी हाइट में, हाइट में ये हो जाता है थोड़ा सा, जब 8-10 mm कोई पॉइंट बाहर में हो उसको कवर करने के लिए। उसके बाद आप आ जाएंगे ये वाली फ्लेंज पे, इसके जो फिन्स बने होते हैं, इन फिन्स का क्या पर्पस होता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके ऊपर लेमिनेशन होती है, इसका भी पर्पस मैंने आपको क्लियर कर दिया। ये हाई डूम वाली जो फ्लेंज होती है इसका क्या मोटिव होता है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। जब पॉइंट आपका बिल्कुल ही बाहर को, मतलब आप अप्रॉक्सीमेट 2 inch वहाँ पे सोल्यूशन ना हो कुछ करने का, पॉइंट को काट भी ना सकते हो और आपको फ्लेंज के साथ कवर भी करना है, जैसे अभी इसकी लॉन्ग थ्रेड है तो इसको कवर करना हो, तो ये वाली दो फ्लेंज काम आ जाएंगी। ठीक है गाइज, और मैक्सिमम डाया वाली जो फ्लेंज है, जो मैक्सिमम डाया वाली फ्लेंज है ये कहाँ पे काम आएगी, जहाँ पे प्लम्बर से गलती हथौड़ा मारते टाइम गलती हो गई है, उसमें थोड़ा होल बड़ा हो गया है, उस होल को कवर करने के लिए फ्लेंज का ये वाली फ्लेंज काम आएगी। ठीक है गाइस, तो ये वाला टॉपिक हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें ये वाली इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइज, और आपको नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर बताएं। ओके गाइज, थैंक यू।